अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एवरीथिंग है। मैं हूं का दोस्त उस्मान। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं सबको बताने वाला हूं कि आप लोग किस तरह अपने एंड्रॉयड डिवाइसेस की जो एरर आता है स्टोरेज को फुल होने का, उसको ख़त्म कर सकते हैं। दोस्तों, बाज़ दफ़ा क्या होता है, आप कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करना चाहते हैं लेकिन वो इंस्टॉल नहीं होती क्योंकि आपके मोबाइल की स्टोरेज फुल हो चुकी होती है। ऊपर एक एरर भी आ चुका होता है कि आपके मोबाइल की स्टोरेज फुल हो चुकी है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं सबको उसी एरर को ख़त्म करने के बारे में बताऊँगा। तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल के आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले आप मोबाइल के प्ले स्टोर में जाइए और वहाँ से एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए। तो दोस्तों, उस एप्लीकेशन का क्या मकसद होगा कि आपका जो मोबाइल का अननेसेसरी डाटा है, कब आप जब कोई एप्लीकेशन चला रहे होते हैं आप, तो आप जब आप एप्लीकेशन को चला रहे होते हैं, आपको कोई इमरजेंसी काम आ रहता है तो आप उस एप्लीकेशन को खुला छोड़कर चले जाते हैं। तो ऐसे में जो आपका मोबाइल है, वो आपका जो मोबाइल है उस एप्लीकेशन के जो अननेसेसरी डाटा को सेव कर लेता है। तो उसको क्लीन करने के लिए आप ओमनी क्लीनर पावरफुल कैश क्लीन को इंस्टॉल कर लीजिए। इस एप्लीकेशन को मैंने पहले इंस्टॉल कर लिया, इसलिए मैं इसे ओपन कर रहा हूँ। जब आप इसे ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा आ जाएगा। आप देख सकते हैं, आपने यहाँ पर क्लीन नाउ पर क्लिक कर देना है। जब आप क्लीन नाउ पर क्लिक करेंगे तो ये सारे आपके मोबाइल की एक्सेस डाटा है, यानी जो आपका किसी काम का नहीं ट्रैश डाटा है, उसे फाउंड कर रहा है। तो देखिए दोस्तों, ये 104 MB फाउंड किया इसने, कि जो फजूल है यानी आपके किसी काम की नहीं है। तो आप यहाँ पर क्लीन पर क्लिक कर दीजिए और जितने भी आप इसने फाउंड की होगी वो सारी की सारी क्लीन कर देगा। तो क्लीन हो चुकी है, इससे काफ़ी हद तक आपके मोबाइल की स्टोरेज बच जाएगी और आपके मोबाइल जो एरर आता है वो नहीं आएगा और जो आप एप्लीकेशन या गेम इंस्टॉल करना चाहते हैं वो इंस्टॉल कर पाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कर जरूर।